हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ चिकन मसाले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये जितना खाने में टेस्टी होता है उतना बनाना ही बहुत आसान होता है। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 500 ग्राम चिकन, ड्राई मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है साबुत लाल मिर्च 3, एक चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ, एक छोटे टुकड़े दालचीनी का, 6 से 7 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1.5 चम्मच जीरा, 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है जिसको बारीक काट लिया है, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक का और 1 मीडियम साइज का रफली चॉप प्याज, इन तीनों का हमें पेस्ट बनाना है। 1 चम्मच बेसन लिया है ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, 3 बारीक कटे हुए प्याज, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, याद रखें हमने सूखे मसाले में भी इस्तेमाल किया मिर्च, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टुकड़ा नींबू का, 3 तेज पत्ते, नमक टेस्ट के अनुसार। चिकन को अच्छे से धोने के बाद इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें नींबू निचोड़ देंगे और इसे अच्छे से मिला देना है। इसे मिलाने के बाद इसे ढक के आधे घंटे के लिए रख देना है। अब एक पैन को गर्म करके उसमें बेसन डालेंगे और बेसन को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ग्रेवी हमारी टेस्टी बने। अब बेसन भून चुका है, इसे निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हमने सारे खड़े मसाले डाल देने हैं, इन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये रोस्ट हो चुके हैं, अब हमें इसे निकाल के ठंडा कर देना है और इसे बारीक पीस लेना है। याद रखिए इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये मसाले हमारे पीस चुके हैं, अब इसी बर्तन से मसाले निकाल के हमें इसी बर्तन में प्याज, अदरक, लहसुन को भी बारीक पीस लेना है। आप इसे पीसने के लिए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा। ये हमारे मसाले पीस चुके हैं। एक बर्तन को गर्म करके हम इसमें तेल डालते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता भुन जाने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालते हैं और इसे हमें तेल में अच्छे से भून लेना है। प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। हमारे प्याज भुन चुके हैं, अब हम इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डालेंगे और इसे भी प्याज में हमें अच्छे से मिला लेना है। अब टमाटर को नरम करने के लिए हम इसमें नमक डालेंगे। याद रखिए चिकन को मैरिनेट करते समय भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। अब हम इसे हल्की आंच में थोड़ी देर के लिए ढक के पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर भी नरम पड़ गए हैं। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था इसे डाल लेंगे और इसे मसाले में अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें बची हुई हल्दी और मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। अब हमें मसालों को अच्छे से भूनना है। मसाला अगर अच्छे से भुना हुआ तो ही टेस्ट आता है चिकन मसाला में। अब हमें इसे गैस धीमी करके ढक्कन रख के 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला भी पक गया है। देखिए तेल ऊपर आने लग गया है, इससे मालूम पड़ता है हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे
जो हमने मैरिनेट करके रखा था, और इसे हमें अच्छे से मिलाना है ताकि मसाले की कोटिंग इस पे लग जाए। अभी हमें गैस की आंच तेज रखनी है और इसे 2 मिनट तक मिलाना है। अब गैस का फ्लेम लो करना है और इसे ढक्कन रख के 10 मिनट तक पका लेना है। अब 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन भी पकने लग गया है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप पानी 1 कप भी डाल सकते हो। इसे हमें अच्छे से मिलाना है और फिर से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन भी पकने वाला है। अब हम इसमें जो हमने हल्का बेसन ड्राई रोस्ट करके रखा था उसे डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। इससे हमारी ग्रेवी थिक बनेगी। अब इसके बाद जो हमने ड्राई रोस्ट करके मसाला पीसा था इसे भी डाल लेंगे। और इसे अच्छे से मिला देना है। इसे मिलाने के बाद हमें 5 मिनट के लिए ढक्कन फिर से ढक के रख देना है और गैस की आंच धीमी कर देनी है। अब चिकन बनके बिल्कुल रेडी है। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, और ये पक भी चुका है। अब इसके ऊपर हम बारीक कटी हुई धरी धनिया डाल देते हैं। अब हमारा चिकन मसाला बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरी पूरी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।